हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आप सब के लिए लेकर हाजिर हैं शादीशुदा औरत का संभोग वशीकरण मंत्र। जी हाँ, ऐसा वशीकरण मंत्र जिसकी मदद से आप भी किसी भी शादीशुदा औरत को संभोग के लिए मना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये वशीकरण टोटके बताने से पहले एक हिदायत देना चाहूँगा कि आपने इन सभी टोटके उपायों का इस्तेमाल अपने विवेक के साथ ही करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये बड़े ही सिद्ध वशीकरण मंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल गुरुजी की देखरेख में ही किया जाता है। अगर आप भी किसी शादीशुदा औरत से प्रेम कर बैठे हैं और उसे संभोग वशीकरण मंत्र जानना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक को आगे लेकर। क्या दोस्तों, आप भी किसी औरत को संभोग के लिए मनाना चाहते हैं? क्या आप किसी औरत से प्रेम कर बैठे हैं, उसे अपने प्यार में पाना चाहते हैं तो कहीं और टोटका देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको ऐसे उपाय टोटके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से किसी भी शादीशुदा औरत को पटा सकते हैं, उसका वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी आने वाली वीडियो में जान सकें कि वशीकरण के कुछ और उपाय टोटके। दोस्तों, ये वशीकरण तरीके बड़े ही प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, जो गुरुजी की देखरेख में ही ये वशीकरण तरीके कामयाब होते हैं। अगर आपको भी किसी शादीशुदा औरत से प्यार हो गया है, उसे संभोग वशीकरण तरीका आप जानना चाहते हैं जिससे औरत आपके इशारों पर चलेगी, आपकी हर एक बात को वो मानेगी, तो इन टोटकों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ वह कौन सा वशीकरण तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी शादीशुदा औरत का वशीकरण कर सकते हैं, उनका संभोग वशीकरण मंत्र जान सकते हैं। दोस्तों, आपने शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करना होगा, छोटा सा कार्य है, जितना जल्द संपन्न करेंगे उतना जल्द ही वशीकरण का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनिवार के दिन आपने जो भी शादीशुदा औरत है उसका नाम है, उसका एक कागज पर आपने 31 बार नाम लिख लेना है। नाम लिख लेने के बाद उस कागज को फोल्ड कर लेना है, ऊपर से आपने लाल परांदा उसके ऊपर लपेट देना है और एक कस के गांठ लगा देनी है। दोस्तों, अब आपने एक वशीकरण मंत्र का जाप करना होगा। वशीकरण मंत्र का जाप 3 दिन तक चलेगा। दोस्तों, वशीकरण मंत्र इस प्रकार से है, ओम वशीकरणाय वशीभूताय अमुक कुरु कुरु स्वाहा। ये वशीकरण मंत्र है। अमुक के स्थान पर आपने जो भी स्त्री का नाम है उसका नाम बोलना होगा 51 बार। दोस्तों, आपने इस वशीकरण मंत्र का जाप करना है एक दिन में, एक टाइम में, 3 टाइम आपने दिन में इसका जाप करना होगा। एक टाइम में 51 बार, दूसरे टाइम में 51 बार आपने इस तरह ही करना होगा। दोस्तों, 3 दिन पश्चात जैसे वशीकरण मंत्र का जाप समाप्त हो जाए तो आपने इस कागज को किसी भी गड्ढे में जाके दबाना है। दोस्तों, ये जितना कार्य जितना जल्द आप कार्य संपन्न करेंगे उतना ही जल्द आपको वशीकरण का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर कार्य जो भी मैंने आपको बताया उसमें कहीं पर आपको गड़बड़ परेशानी होती है करने में तो आप निःशुल्क आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, फ्री में सलाह ले सकते हैं दोस्तों, और ये वशीकरण क्रिया संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत